सो व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लास्ट टाइम मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था एयरक्राफ्ट म्यूजियम, एंड आई टोल्ड यू कि मैं आपको ऐसी कुछ सिमिलर और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। सो हियर आई प्रेजेंट यू INS कुरसुराव म्यूजियम। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये म्यूजियम दिखाने से पहले इसके पीछे की एक कहानी है जो आपको सुनानी है। अगर आपने गाजी अटैक मूवी देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि INS कुरसुरा क्या है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो जाइए आप वो मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा। INS कुरसुरा जो है वो इंडिया का फोर्थ सबमरीन है। दिस इज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। यही वो सबमरीन है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन था PNS गाजी सबमरीन को डुबाने में। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो PNS गाजी सबमरीन है वो पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजा गया था INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1970 और 1971 ये वो टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालात कुछ सही नहीं थे। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है जो कि बैटल ऑफ लोंगेवाला पे बेस्ड है, तो आपको मालूम होगा कि बैटल ऑफ लोंगेवाला भी 1971 की स्टोरी है। और अगर आपने बॉर्डर मूवी भी नहीं देखी है तो क्या ही बोलना फिर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान का बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे ज़्यादा पावर नहीं था, बिकॉज वहाँ पे था हमारा बहुत बड़ा शिप INS विक्रांत। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि क्यों ना INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय किया जाए, और उसके लिए उन्होंने भेजा अपना सबसे पावरफुल सबमरीन PNS गाजी। अब जैसा कि आपने मूवी में देखा है कि PNS गाजी बे ऑफ बंगाल साइड में पहुँचता है वो INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज़ से, और उसी समय जो हमारा INS कुरसुरा है वो एक सर्विलियंस रन पे निकला होता है, और वो बाई चांस ये डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे एक और भी सबमरीन है। तो उस समय की जो फाइट होती है अंडर वाटर वो आपने मूवी में देखी हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, इस टाइम इंडिया के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के ऑफिसर्स दोनों एक दूसरे का कम्युनिकेशन काफी इंटरसेप्ट किया करते थे जानकारी लेने के लिए और एक दूसरे पे नजर रखने के लिए। इंडिया को ये पता चला कि INS विक्रांत पे एक अटैक प्लान होने वाला है, और ठीक उसी तरह पाकिस्तान के भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंडिया का कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके ये पता करते हैं कि INS विक्रांत है कहाँ। तो उन्हें पता चलता है कि INS विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट में खड़ा है। बट जब PNS गाजी वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यार INS विक्रांत तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हैरानी की बात ये रहती है कि यार इतना बड़ा शिप अचानक से गायब कहाँ हो गया। कुछ दिन पहले जब हम निकले थे तब तो वो शिप यहीं विशाखापट्टनम पोर्ट में था, लेकिन अब अचानक से गया कहाँ। जैसे ही इंडियन ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि यार INS विक्रांत पे एक अटैक प्लान किया जा रहा है, तो उन्हें इस बात का पता रहता है कि हम INS विक्रांत को जहाँ भी भेजेंगे वहाँ इसे ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिप है, और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं वो एक गेम प्लान करते हैं। तो गेम कुछ ऐसा था कि INS विक्रांत की जगह पे खड़ा किया गया INS राजपूत। INS राजपूत के क्रू मेंबर्स को ये कहा गया कि आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उसमें INS विक्रांत वाले कोड यूज़ करेंगे, ताकि जो भी इस कम्युनिकेशन को सुने उसे ये लगे कि INS विक्रांत के ऑफिसर्स या क्रू मेंबर्स बात कर रहे हैं। INS विक्रांत के ऑफिसर्स को ये कहा गया कि वो घरों में फ़ोन करके ये बता दें कि वो 10 दिन की छुट्टी के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट आने वाले हैं, और विशाखापट्टनम में बहुत सारी सब्जियों की, ग्रॉसरी की, राशन की खरीदारी की गई, ताकि जो वहाँ पे लोकल जासूस फैले हुए हैं उन्हें भी ये लगे कि हाँ विशाखापट्टनम पोर्ट में एक बहुत बड़ा शिप आने वाला है, और उस समय इतना बड़ा शिप INS विक्रांत ही था। INS कुरसुरा 1969 में कमीशन हुआ था, और वो इंडिया आया था 1970 में, और 31 ईयर्स की सर्विस के बाद फाइनली 2001 में उसे डीकमीशन कर दिया गया, और काफ़ी सारा खर्चा करके उसे समंदर से बाहर निकाला गया और उसे यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया। सो एंट्री में आपको मिलेगा 40 रुपीज़ का टिकट एडल्ट्स के लिए, और ये कैमरा ले जाने के लिए 200 एक्स्ट्रा। सो मैं 200 पे कर रहा हूँ आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए। सीरियसली दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। आई गेस जो ऊपर तीन आपको दिख रहे होंगे वो टॉर्पीडोज हैं, और या करेक्ट ये टॉर्पीडो है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैं एक सबमरीन देख रहा हूँ सामने से। सीरियसली कितना
जहाँ ज़्यादा लिमिटेड स्पेस है कुछ भी करने के लिए, सोना है, खाना है, वॉशरूम जाना है, हर चीज़ के लिए बहुत ही लिमिटेड स्पेसेस है। जस्ट इमेजिन इतने महीनों तक वो कैसे इसके अंदर रहते होंगे, पूरे सीधे हो के आप चल भी नहीं सकते पूरी तरह से। जैसे ये वाला देख, यहाँ मुझे झुक के ही आना पड़ा, वो तो टूरिस्ट पर्पस के लिए वहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वरना एक्चुअली जो सबमरीन का एंट्रेंस है वो ये है। वहाँ से आप नीचे उतरेंगे और यहाँ आप सबमरीन के अंदर आएंगे। आई टोल्ड यू राइट, आप पूरी तरह सीधा खड़े हो कि अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, जबकि मेरी तो बहुत एवरेज हाइट है। जस्ट इमेजिन जिसकी हाइट मेरे से ज़्यादा रहती होगी वो लोग कैसे करते होंगे। आईएनएस कुरसुरा म्यूज़ियम जो है वो आरके बीच में ही है, तो अगर आप आरके बीच के आसपास स्टे करते हैं या आप आरके बीच घूमने आए हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसी के जस्ट ऑपोजिट में आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, तो अगर आप कोई एक चीज़ विज़िट करने आ रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी स्पॉट पर, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।